के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। जब तक पानी निकाल लेती हूँ, हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और कल हमारे घर में दाल नहीं बचनी है, तो हमारे बच्चों को ना बहुत तल्खी हो रही है, मतलब बहुत ही वो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सालों से नहीं खाया है। तो चल रही हूँ फ्रेंड, आज दाल बनाएंगे, पत्ते वाली गोभी बनाएंगे। और प्लीज मेरी वीडियो में कहीं गलती रह जाए तो मुझे माफ करना, और हमें कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगली बार मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूं। फ्रेंड, क्योंकि आप सब मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो चलो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मैंने पत्ते गोभी के उबाल के सब्जी बनाया है, मतलब इसको बॉयल करके बनाया है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना गोभी खाते समय पत्ते वाली किसी को नहीं उसकी खुशबू पसंद आती है, तो ऐसे बनाने को उबाल के उसकी खुशबू ही नहीं लगेगी, पता की पत्ता गोभी की है। बाबू मेरे को एक टमाटर दे दो। हाँ, पका पका बड़ा सा। तो यहाँ पे फ्रेंड पत्ते गोभी की सब्जी बनाई है। हरी मिर्च मैंने फ्राई किया है, देखिए कितना बढ़िया फ्राई किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे मैंने दाल धो कर लिया है, दो से तीन पानी अच्छे से धो लिया है, क्योंकि बच्चों का मन है दाल खाने का, पर मेरा मेरे हस्बैंड का मन था सब्जी खाने का। तो ले बाबू, तो बच्चों के लिए दाल बना रहे, खुद के लिए सब्जी। तो सब्जी तो मेरी बन चुकी है, यहाँ पे चावल भी बन चुका है, ये देखिए एक पतीले में चावल भी बनाया है। और टमाटर को फटाफट धो लिया है, कट कर लेते हैं, क्योंकि भाई पसंद न पसंद बच्चों के अगर मैंने ध्यान रखूंगी तो कौन रखेगा। तो इसलिए मैं बच्चों की पसंद की दाल बना रही हूँ। फ्रेंड, कल भी मैंने दाल नहीं बनाई थी ना, तो इसलिए बच्चों कहा और बेताब ही हो गई थी, मतलब बेताब हो गए थे, क्योंकि कल दाल ही नहीं पाए थे ना खाने को, क्योंकि वो बच्चे जो है ना दाल के ही सहारे चलते हैं। फ्रेंड नमक ले लेते हैं, हल्दी पाउडर ले लेते हैं, और ये मसाले। तो इसमें मैंने प्याज का तड़का डाल रखा है, गोल्डन होने देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड तड़का जो है गोल्डन हो चुका है, टमाटर डाल देते हैं। मैं ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। यहाँ पे तड़का जो है और टमाटर अच्छे से गल गया है। अब इसमें डाल देते हैं मसाले जो हमने लिए था, नमक वगैरह और हल्दी और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल देते हैं। और इन्हें सारे मसाले में मैं दाल भी जो धोकर लिया है इसे भी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे कल से दाल नहीं पाए हैं फ्रेंड, क्योंकि बच्चे वैसे दाल ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दाल में थोड़े मसाले कम होते हैं और उसमें ज्यादा होते हैं मसाले सब्जियों में, तो इसलिए बच्चे दाल ज्यादा पसंद करते हैं। तो दाल और मसाले को अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर कहीं मेरे वीडियो में गलती रह जाए तो मुझे जरूर बताना, और आप सब मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट नहीं देते हैं तो प्लीज आप सब प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियो को दीजिए, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो यहाँ फ्रेंड हमारा दाल अच्छे से भून रहा है। दाल भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, जब तक पानी निकाल लेती हूँ। तो पानी तो मैंने निकाल लिया है फ्रेंड, और दाल अच्छे से भून गई। दाल जो है हमारे
लगने लगा है। फ्रेंड अब दाल में हमें कुछ नहीं डालना है क्योंकि मैंने तड़के लगा के दाल को छौंक के बनाया है। तो इसमें लगा देते हैं बेसन और लगा देंगे दो से तीन सीटी में अच्छे से पक जाती है। अगर फुल आंच पे पकाती हूँ तो तीन लगता है वरना दो ही पे पक जाता है धीमी आंच पे। तो इसको फ्रेंड ये मेरे बेटे का क्या हाल है, कल दाल नहीं बनी थी तो वो भूखा था, बुखार रहा है तो बोल रहा था कि मुझे जब तक थोड़ा सा दे दो सब्जी चावल खा लूं। देखिए एक भी नहीं चावल सब्जी छुआ। और अब इसको क्या करेंगे, पूरे नहीं जाएगा तो दिखाते हैं। अब दाल पकी है कि नहीं पकी है, अभी तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि कल ही सिर्फ दाल नहीं बना था, सबको बेतवाही मतलब सबको तवाही आ गई दाल में। ऐसे बच्चे होते हैं वरना सब्जी बनी थी नहीं बनाते। और रोटी खाने के लिए कोई नहीं खा रहा, केरा नहीं खाएंगे, कल गुजिया बनी थी वो भी रखी है तो जरा गुजिया खा लेंगे पर रोटी नहीं खाएंगे तो फिर बनाएंगे नहीं क्या, फिर रोटी बनाएंगे सब्जी चावल दाल जिसका मन करिए तो भूल जाओ। मैं तो सब्जी चावल ही खाने वाली हूँ दोस्तों। आप सभी क्या खाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और दाल का क्या हाल है वो भी दिखाते हैं अभी आप सभी को कि दाल अच्छे से पक गई कि नहीं। इसलिए मैंने एक पतीले चावल डाला क्योंकि मुझे मालूम था कि रोटी क्यों नहीं खाएगा। तो ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है और अब इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बढ़िया पकी है ये। तो फटाफट मेरा बेटा खा के भाग गया है, जो सब्जी चावल थोड़ा से खाया था, छोटा वाला तो अभी खाता ही नहीं है। पर अब दाल जाके पकी है तो फ्रेंड अब बेटा आएगा जब ही खाएगा। उसके चक्कर में मैं जल्दी जल्दी 12:30 ही अभी बजे हैं, मैंने लंच बना दिया है लेकिन फिर भी वो 11:30 ही भाग गया था। मतलब एक घंटे तो लगी गए थे सब्जी चावल बनाने में क्योंकि सब्जी कट करना पड़ा। तो हालांकि सब्जी चावल मैंने दिया था लेकिन खाया नहीं, बाकी बना था खाना ऐसी बात नहीं, सिर्फ दाल नहीं बनी थी। अब क्या करें बच्चों का, वो आएगा तो खाएगा। तो फ्रेंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक का बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखना और मेरा सपोर्ट करना।